यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने गुरुवार को उप निदेशक प्रशासन अनिल कुमार से मुलाकात की और ट्रांसपोर्ट माफियों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं पर कार्यवाही के मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। बिना मंडी शुल्क दिए माफिया अन्य प्रदेशों में भेज रहे हैं, इसे न केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का उत्पीड़न हो रहा है बल्कि सरकार को भी बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस तरह का आरोप ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने लगाया है। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उप निदेशक प्रशासन DGA अनिल कुमार से मुलाकात कर इस समस्या के निदान के लिए ज्ञापन सौंपा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आज अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आए थे, जो उनकी गाड़ियां हैं उस पर उनका किराया, भाड़ा, डीजल, जो उनकी महंगाई बढ़ रही है, तो वो इसी संबंध में चाह रहे थे कि जो दूसरे ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ी भी सब गेट पास कट के जाए, जिससे कि उनका जो खर्चा हो वो इनके पैरेलल हो, उसमें इन्हें किसी तरह का हानि ना उठानी पड़े। तो हम गेट पास क्यों नहीं कर पा रहे? गेट पास ज्यादातर अभी हमने एनफोर्समेंट बढ़ा दिया है अगस्त से, तो उसमें काफी गेट पास बढ़ गए हमारे। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना था कि आगरा से बड़ी संख्या के आलू, मक्का, बाजरा दूसरे प्रदेशों की मंडियों में जाता है, जिसे लेकर इन खदानों को लेकर जाने वाले ट्रकों की मंडी शुल्क की रसीद करीब 6,500 रुपए की कटनी चाहिए, जबकि कुछ माफिया मंडी शुल्क ना देकर इन ट्रक चालकों से 3,000 रुपए लेकर इन्हें आगरा के पास कराने का काम करते हैं। जिसे विभाग के भी कई लोगों की मिलीभगत शामिल है इस मिलीभगत से ये माफिया रोजाना लाखों रुपए अवैध रूप से वसूलने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने आज ज्ञापन दिया है कि हमारे यहाँ आतस रूट में आगरा रामबाग से और खनौली क्षेत्र में जितने भी कोल्ड स्टोर है उनकी जो लोडिंग होती है आलू की लोडिंग कम से कम होती है 200 से 250 गाड़ियों की डेली की लोडिंग है, जिसमें कि उनका जो मंडी गेट पास होता है वो मंडी गेट पास नहीं काटा जाता है। वो मंडी गेट पास जो है कुछ माफियाओं द्वारा डायरेक्ट गाड़ियाँ निकाली जाती हैं, जिससे कि एक गाड़ी का वो 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट जो व्यवसाय है वो बहुत परेशानी में आता है। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं लगती हैं और जो वो मंडी का जो समय शुल्क है आलू की गाड़ी का 6 से 6,500 रुपये की एक गाड़ी की मंडी रसीद कटती है और बाकी कुछ माफियाओं द्वारा ये गाड़ी 2,500 से 3,000 रुपये में लेके निकाल दी जाती है। हम सभी ट्रांसपोर्ट साथी उनसे अपनी मांग लेकर आए थे कि आगरा शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ बिना मंडी शुल्क दिए लोकेशन के आधार पर निकलती हैं, उसकी वजह से हम लोगों के ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों के लिए आए दिन कोई ना कोई झगड़े की आशंका बनी रहती है। हमारी गाड़ियों के भाड़े हम लोगों को नहीं मिल पाते, कोई गाड़ी अगर किसी तरीके से मंडी समिति द्वारा पकड़ी जाती है तो व्यापारी हमारी गाड़ियों का भाड़ा हम लोगों को नहीं देता। ऐसे महंगाई के दौर में एक एक गाड़ी का भाड़ा 40-40, 50-50 रुपये हम गाड़ियों का भाड़ा बैठता है, तो हमारी गाड़ियों को भाड़ा नहीं मिल पाता। आए दिन जो लोग माफिया टाइप में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मिली भगत से काम कर रहे हैं, उनका कारोबार दिन ब दिन भूलता जा रहा है, और जो एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है, एक सही ट्रांसपोर्टर जो सही तरह से काम करता है, उनके दिन ब दिन निरंतर काम होने विभाग की मिली भगत के कोई काम नहीं हो सकता। यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का कहना है कि फिलहाल उन्होंने अपनी बात और समस्या अधिकारी को बता दी है, अगर इन माफियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन पर बाध होंगे। मूल न्यूज के लिए आगरा से विकास यादव की रिपोर्ट।